बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टाइम विद मोहम्मद इमरान में आपको खुशामदेद कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए वो ये हैं: 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून साबुत धनिया ये कूट लिया है, 4 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 कप तेल लिया है, 125 ग्राम गाजर है, 125 ग्राम हरी मिर्च। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और इस तरह से इस पे कट लगा दिए। 125 ग्राम दही ली है और गाजरों को बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई खटाई ली है। 1 लेमन जूस में काला नमक ऐड कर देंगे। 1/4 कुटी हुई मिर्च, 1/2 धनिया कुटा हुआ, 1/2 कलौंजी, 1/2 मेथी दाना। अब इसमें खटाई पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हरी मिर्चों के अंदर इसको इस तरह से भर लेना है। सब हरी मिर्चों में इस तरह से इसको भर देंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है ताकि ये रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको हम चावल के साथ, दाल के साथ, जो चीज़ें आपकी फेवरेट हों, जिसमें आपको पसंद आए, आप डाल के खा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब सारी मिर्चों में अच्छी तरह से अंदर मसाला भर दिया है। अब एक बर्तन ले लिया है, उसमें घी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर देंगे।
अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम मिर्चें ऐड कर देंगे। इसमें अभी हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना, हम अगर चमचा चलाएंगे तो हमारा सारा मसाला बाहर आ जाएगा। अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे। अब इसमें दही ऐड कर देंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको दम पे रख देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे दही को इसके अंदर, ताकि अच्छे से हमारा मसाला बन जाए। और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 4 से 5 लहसुन के जवे डाल देंगे। टू टेबल स्पून राई ऐड की है, अगर आपके पास साबुत है तो उसको पीस लें। अब तकरीबन इसको 5 मिनट और दम पे रख देंगे, ताकि हमारी मिर्चें और गाजर अच्छे से गल जाएं। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हमारी मिर्चें और गाजर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि मैं और मज़ेदार रेसिपी आपके लिए बना सकूं और मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। व्यूअर्स,
क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है जो आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरी हौसला अफज़ाई होती है। बस इसी तरह से मेरी हौसला अफज़ाई करते रहें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकअल्लाह।